नाम है आपका? अदरीम खान है, गांव कटल का पार है। और मेरा 1200 रुपये राशि कटा गया है कंपनी से, बीमा कंपनी से 66 रुपये ही भरे गए, हमारे को एक रुपया क्लेम नहीं आया। 21 का नहीं आया, नहीं 22 का आया, नहीं 23 का आया, एक रुपया क्लेम भी नहीं आया। ये सब आप किस पे आरोप लगाया आपने? मैनेजर साहब से। कौन है? देरावर सिंह नाम है, रामसर गांव है। और सोसाइटी मैनेजर है, कंटल का पार पंचायत में। तो ये कब से है देरावर सिंह? ये लगभग 21 है या 22 में है सर। ऐसे कितने किसान है जो परेशान है? 75 आदमी ऐसे है जिसको 2000 मिले है, किसी को 1500 मिले है, किसी को 1700 मिले है, किसी को 4000 मिले है। आप उसी को किसी को भी मेरे पास तो एक रुपया नहीं मिला और 66 रुपया कंपनी में भरा हुआ। तो आप जाते हो तो आपको क्या मिलता? क्या हम बोलते हैं हमने भर दिए और आगे कंपनी बीमा वाले को पूछते हैं आपके 66 रुपये है सर। नहीं नहीं, सोसाइटी मैनेजर से नहीं मिले? हम मिल के आए और मिले के हमने भर दिए। आप जाके आगे पूछा करो। तभी आज किससे मिलने आए हो? आज कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन दिया। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर आश्वासन दिया है कि आपकी जांच होगी, उसके बाद में आपकी सुनवाई होगी। एमडी साहब से मिले हुए हैं, पहले ज्ञापन दिया हुआ है। और एसटीएम साहब रामसर से ज्ञापन दिया हुआ है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। बात कंटल का पार से ग्रामीण आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, सोसाइटी मैनेजर पर आरोप लगाए है, क्या मामला है? सोसाइटी मैनेजर है जो ये भोले वाले किसान लोग हैं, इनसे कई सालों से पैसे वसूल रहा है, 2000-4000 रुपये इनसे ले रहा है क्लेम के लिए, और आगे वो क्लेम के 150 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये वैसे भर रहा है। तो न तो इनको क्लेम मिल रहा है और इनकी जो कमाई है वो गाड़ी कमाई वो खा रहा है, जो किसान वर्ग को कोई इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उसने जो किसान लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ़ हम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब से आए हैं। उनका आश्वासन है कि जल्द से जल्द इसका जो निस्तारण है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि 15-20 दिन पहले हम एसडीएम रामसर से मिले हैं और वहाँ भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, और एमडी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। थक हार के हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ग्रामवासी साथ में हैं और हमें आश्वासन मिला है कि आपकी जल्द ही कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी जाएगी। कौन है सोसाइटी मैनेजर, कहाँ का है और कितने लोग परेशान है इससे? इस जो गांव के लगभग पूरे लोग परेशान हैं, जो किसान लोग हैं, और उसके बाद में वो रामसर में है कार्यरत और कंट्रोल का पार है, वो है देरावर सिंह उसका नाम है। तो कहाँ का है ये देरावर सिंह? रामसर का है। रामसर का है। तो अभी आप कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो भी निस्तारण होगा वो आपके पक्ष में होगा, जो सही है उसके पक्ष में होगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम रसूल खान है, मैं कंटर के पार से आया हूँ। मेरे पास 28,000 का उन्होंने 1500 रुपया लिया और उसमें से यहाँ 32 रुपया बीमे का जमा हुआ है, और हमने एप्लीकेशन एमपी साहब को दी और एसटीएम अधिकारी को रामसर में दी, और उम्मेदाराम जी वहाँ आए थे एमपी हमारे गागरिया, उनको भी दी, कुछ कार्रवाई हुई नहीं। जब हम आज जिला कलेक्टर के पास आएंगे अपन के लिए। कौन है सोसाइटी मैनेजर, कहाँ का है? ये रामसर का रहने वाला है, नाम देरावर सिंह रोहित, रामसर का रहने वाला है। तो कितने ग्रामीण ऐसे प्रताड़ित है इसमें? हमारे एकोतर नाम का कुछ नहीं आया, एकोतर नाम हमारे ऐसे है उसमें कुछ नहीं आया। वो एमडी साहब के पास रिपोर्ट दी हुई है, एमडी साहब ने कहा था हम मंगलवार को आपका निरीक्षण करके रामसर आएंगे, फिर तो नहीं आया। इसलिए हमारे को जिला कलेक्टर के पास आना पड़ा। आज किससे मिले हो? आज जिला कलेक्टर से मिले। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी जाँच जरूर से जरूर कराएंगे। ठीक है।